ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट वालों प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई रोकण ते पंथक सियासत भी शुरू हो गई है। मौके का फायदा चुकदिया बादलों तो बागी लीडर मनजीत सिंह जीके ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पिछे बादल कैप्टन ते एमएस बिट्टा खिलाफ वड्डे इल्जाम लाए ने। बहुत वड्डी साजिश नजर आ रही है कि महीने तो उपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हां दी जिहड़ी सजा माफी सी ओह लिख के पंजाब सरकार नूं भेज दी। पंजाब सरकार अज महीने तो उपर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? पंजाब सरकार ने जेल चो छड़िया क्यों नहीं? सब तो वड्डी मैं समझदा वा नाकामी श्रोमणी अकाली दल की एस जी पी सी की दिल्ली गुरद्वारा कमेटी की कि जो बिट्टे ने एक केस पाया सुप्रीम कोर्ट के विच तुहाडे वल्लों कोई वकील क्यों नहीं पेश होया? तुसीं बिट्टे नूं क्यों राह दे दिता कि वह सेफ अपना ऑर्डर करा के उत्थों दी चले जाए? किसी वकील ने अगों दी पेश होना चाहिए सीगा और ये ड्यूटी बाउंड सीगे। आपां वड्डियां बाहवां चुक चुक के गल्लां करदे आ। सब तो पहली गल कि दो वड्डे फैसले सी। एक फैसला सी राजोवाणी की फांसी का, वो हाउस के होम मिनिस्टर ने कह दिता कि असी ये गल कोई नहीं की। दूजा सी भुल्लर साहब की रिहाई का। मैं समझदा वा कि दोवां गल्लां दे उत्ते अकाली दल नूं मूँह दी खाणी पई है। ये क्यों खाधी है? जानबूझ के खाधी है। बिट्टे नूं राह तुसीं क्यों दिता? इहदा जवाब अकाली दल दे देवे, दिल्ली गुरद्वारा कमेटी दे देवे या एस जी पी सी दे देवे। मैं समझता कितने ना कितने साजिश तो नहीं बिट्टे नाल रल के इन्हां ने कीती। जे भुल्लर का परिवार चाहे असी इस केस नूं रिप्रजेंट करिए असी जरूर करांगे और असी इस वास्ते पूरी तौर पर तैयार हां कि असी इक मौका अपने हत्थों गवा लिया। मनजीत सिंह जीके दा तां प्रोफेसर भुल्लर लई दर्द बाहर आ गया। यह दर्द हुण होर किहड़े लीडरां दा बाहर आउंदा है ये तुहानूं पता लग ही जाणा। जिहड़ी सज़ा माफी सी। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।